हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज मेरे पास आया है हीरो इग्निटर। इस बाइक का जो प्रॉब्लम लेके आया है, थ्रोटल पूरा खींचने से भी बाइक तेज़ नहीं भाग रहा है और इंजन में ज़्यादा साउंड हो रहा है लेकिन तेज़ नहीं भाग रहा है। तो इस तरह प्रॉब्लम क्यों आता है, आज इस वीडियो के जरिए से टोटली जानकारी देने जा रहा हूँ। जो दोस्त काम सीख रहे हैं, जिसके पास बाइक है, वो दोस्त पूरा वीडियो देखिए। आपका बाइक में भी इस तरह प्रॉब्लम आए तो आपको कौन सा चीज़ चेंज करना है। और इसके पहले इग्निटर के ऊपर दो चार वीडियो और भी अपलोड किया हूँ, करंट के समस्या होने से कौन सा वायर को कैसे चेक करना है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और इग्निशन स्विच का प्राइस भी क्या है, पार्ट नंबर भी क्या है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और देखिए, जो पीछे वाला जो कावल रहता है, एक कावल का ऊपर भी वीडियो बनाया हूँ, कावल को कैसे सेट करना है, उसका प्राइस भी क्या है, पार्ट नंबर भी क्या है। और जो सामने वाला कावल टैंक के साथ जुड़ा हुआ रहता है, इसका प्राइस भी क्या है, पार्ट नंबर भी क्या है, टोटल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से भी देख सकते हो। मैंने इंजन ऑयल को भी ड्रेन किया हूँ और मेरे को अभी चेक करना है क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, व्हील क्लच, सेंटर क्लच। और मेरे को अभी क्लच हेड खोलना है। देखिए दोस्त, मैंने जो एग्जॉस्ट होता है, एग्जॉस्ट का पीछे वाला जो नट उसको खोला हूँ। और एक देखिए मदानी वाला साइड स्टैंड है, वो भी खोला हूँ। अभी ये टोटली 8 नंबर को खोल के बाहर करना है। अभी ये खुलेगा, एक इसमें पुराना वाला जीबीटी पिनियन दे रहा हूँ। देखिए एक खुल गया, दूसरा, तीसरा भी। देखिए दोस्त, ये तो खुलने का काम हो गया, अभी इसको बाहर कर लेना है। देखिए ये बाहर भी हो गया, व्हील क्लच, सेंटर क्लच, वो भी देख लेना है। देखिए इसमें मार्क आया है थोड़ा, ये चेंज ना करने से भी ये चलेगा। देखिए इसमें ये प्रॉब्लम नहीं है। और देखिए ये क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, एक क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट को मेरे को चेंज करना है। देखिए ये भी सही है। देखिए अभी एक क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट ले आने के बाद सेट करना है, अभी वो ले आता हूँ। देखिए दोस्त, मेरे को हीरो का जेन्युइन जो क्लच प्लेट वो मिला नहीं, इसलिए मैंने होंडा का जेन्युइन लेकर आया हूँ, आपको देखा दे रहे हैं। देखिए इसका पार्ट नंबर भी देख लीजिए और इसका प्राइस। अभी मेरे को ये बाहर करके चेक कर लेना है, बाहर से सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और सेम होना भी चाहिए। तो बाहर करने का काम होने वाला है। देखिए ये हो गया, अभी दूसरा एक क्लच प्लेट के साथ। देखिए सेम आपको देखा जा रहा है।
SM क्लास प्लेट, ये तो सेम हो रहा है। और एक चीज़ आपको देखने को मिल रहा है, आपको क्लास प्लेट में दो तरह देखने को मिल रहा है, ए फर्स्ट और ए लास्ट दोनों एक, और मिडिल दोनों एक देखा जा रहा है। और ये सेट करने के टाइम भी ध्यान से सेट करना है, और कैसे वो भी देखने वाला हो। देखिए इसमें प्रेशर प्लेट है, प्रेशर प्लेट का प्राइस 150, ये भी बात कर लेता हूँ। प्रेशर प्लेट भी बाहर हो गया, क्लास प्लेट प्रेशर प्लेट सेट करने से पहले इसमें एक फिल्टर लगवा रहता है, एक फिल्टर को पहले सफाई कीजिए। देखिए इसका हालत, देखिए ये साफ सफाई करने के बाद देखिए, और नीचे भी देखिए तो दिखाई दे रहा है बहुत सारा कचरा है। ये भी टोटली साफ सफाई कर लेता हूँ और सेट भी करता हूँ। देखिए ये साफ तो हो गया, मेरे को प्रेशर प्लेट क्लास प्लेट टोटली सेट करना है। देखिए क्लास प्लेट फर्स्ट जो एक कलर था उसमें फास्ट ही दे रहा हूँ। प्रेशर प्लेट देने के टाइम एक चीज़ आपको ध्यान से देख लेना है, देखिए प्रेशर प्लेट दोनों साइड अलग अलग ही होता है। देखिए ए साइड अलग और ए साइड भी अलग, मेरे को इस तरह से देना है, इस तरह से। और मिडिल पोजीशन में जो दो क्लास प्लेट था और दोनों को मिडिल पोजीशन में ही देना है। ये तो सेट हो गया है, देखिए ये टाइमिंग होल देखा जा रहा है इसमें और इसमें भी, ये दोनों को आपस में इस तरह बराबर, ये बराबर हो गया। और देखिए ये नीचे वॉशर, ये वॉशर इधर ही रहता है, ये हो गया। अभी मेरे को इसको सेट कर लेना है, वॉशर देखिए इसका अंदर ही है। अभी मेरे को ये अच्छा से टाइट करना है, देखिए ये टाइट करने के लिए मैंने ऑयल पंप के इस पॉकेट को खोला हो, वो टाइट करो। देखिए ये टाइट हो गया दोस्तों। अभी मेरे को ये जो इस पॉकेट ऑयल पंप का उसको सेट कर लेना है, देखिए ये तो सेट हो गया। अभी ये ढक्कन का सेट कर लेना है, तो मैंने इस वीडियो के जरिए से जितना
जानकारी बताया और ज़रूरी अच्छा लगा होगा। और मैंने तो बाइक रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, आपको बाइक रिलेटेड वीडियो चाहिए तो जरूर मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और बाजू में जो बेल आइकन रहता है उसको दबा कर रखें नेक्स्ट वीडियो को अपडेट करने के लिए। और ये गैस्केट चेंज करके सेट कर लेता हूँ, बस एक गैस्केट भी सेट करने का काम हो गया। और इसका प्राइस भी आपको देखा दे रहा है 80 रुपीज, अभी ये सेट कर लेता हूँ। देखिए ये सेट करने का काम भी हो गया। देखिए दोस्त ये टोटली रेडी हो चुका है और टेस्ट ड्राइव भी किया हूँ, इसका जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व भी हो गया। बस आज इतने, बस ओके बाय।